আছে? अदिति जी, ये अदिति का मीनिंग क्या होता है? सर, अदिति कश्यप ऋषि की वाइफ थी, सारे देवताओं की माता थी। अच्छा, यानी ये पौराणिक कथाओं में इनका नाम है। बैठिए, कुछ और परिचय दीजिए अपना। सर, मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और सर, मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर से की है, और ग्रेजुएशन भी मेरा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुआ है, और मैंने DLED भी टाइप गोरखपुर से किया है। आप शिक्षिका क्यों बनना चाहती हैं? सर, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड टीचर्स का है, और मेरा सर बचपन से ही गोल था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाके ऐसे ही नेशनल सर्व करना है। नेशन का सर्व तो कहीं और से भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि अन्य नौकरी वाले लोग नेशन का सर्व नहीं करते। जी सर, बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये अगर देखा जाए तो शिक्षक को समाज का निर्माता भी कहा जाता है। जैसे युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, तो उनके माइंड को शेप अप करना, उनको नॉलेज देना, उनका फ्यूचर बनाना, एक तरह से सबसे बड़ी सर्विंग तो यही है नेशन के लिए। आपके फादर क्या करते हैं? सर, वो भी अध्यापक। वो कहाँ पर अध्यापक है? सर, वो चौरी चौरा में, मतलब कि इंटर कॉलेज के हैं, प्राइमरी के हैं। सर, तो आपने नहीं सोचा कि अगर वो इंटर कॉलेज के हैं तो हमें कम से कम एटलीस्ट प्रोफेसर बनना चाहिए विश्वविद्यालय में? नहीं सर, मुझे प्राइमरी में ही आना था, बच्चों को भी पढ़ाना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। कभी पढ़ाया है आपने? हाँ सर। कहाँ पढ़ाया है? सर, ऐसे ट्यूशन में देती हूँ बच्चों को, और इंटर्नशिप में तो पढ़ाया ही है। इसके अलावा सर, घर के पास एक दो स्कूल है, तो उसमें भी कभी कभी मैं चली जाती हूँ पढ़ाने, वो प्राइमरी की है। अदिति गोरखपुर से आ रही हैं? जी सर। अच्छा, गोरखपुर का GI टैग किस चीज़ को दिया गया है? सर, टेराकोटा है। GI टेराकोटा क्या है? सर, क्ले सॉइल होता है, उसमें कलर और कुछ मिला के तरह तरह की, जैसे बर्तन हो गए या फिर शोपीस हो गया, बनाया जाता है। अच्छा, आपको सब्जेक्ट कौन सा बहुत पसंद है पढ़ाने के लिए? सर, पढ़ाने के लिए तो सारे सब्जेक्ट में पढ़ा लूँगी। सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेंगी इक्वली? जी। तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं आप, मुझे लगता है आपके अंदर बहुत टैलेंट है। और देखो, ठीक है, बांटा गया है ना, कैटेगराइज किया गया है कि प्राइमरी पे कौन पढ़ाएगा, माध्यमिक में कौन पढ़ाएगा। ये तो सही है कि आप आधार रखते हैं, कच्ची भी जो है मिट्टी को आकार देते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों का तो हमको लगता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए। आप मेरे ख्याल से आप इसको छोड़ो और आगे की तैयारी करो, ठीक है? सर, ग्रो करना है मुझे, बट इसी फील्ड में यहीं पे रहकर ग्रो करना है कि कैसे मैं अपने अंदर की चीज़ों को बेटर कर सकती हूँ। मतलब बच्चों के साथ ही रहना है, जिद पकड़ लिया है? जी सर। ओके, तो मतलब सारे सब्जेक्ट आप कॉमनली पढ़ा लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको मज़ा सारे सब्जेक्ट में आता है? यस सर। फोर्थ क्लास की हिंदी जी जो चलती है KBS में, उसका एक चैप्टर है ईदगाह, वो पढ़ा है आपने? जी सर। किसकी रचना है? सर, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ये भी इनका भी गोरखपुर से कुछ कनेक्शन है? जी सर। ईदगाह का हीरो कौन है? सर, सलीम या सर, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। नाम नहीं याद आ रहा है? अच्छा, स्टोरी याद है लेकिन नाम नहीं याद है, तो बच्चों को कैसे बताएंगे कि एक लड़का हुआ करता था? बता सकती है वो स्टोरी क्या, बच्चों को क्या मॉरली सिखाना चाहती है? सर, बच्चों को उसमें जैसे ये बताया गया है कि हमें अपने पेरेंट्स का जो भी हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, केवल पेरेंट्स ही नहीं, बाकी जो भी हैं जिनका हमारे आगे बढ़ने में योगदान है, जो भी हमारे पीछे अपना अपनी चीज़ें दे रहे हैं, तो उनके लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरे अदिति, आज आपने ब्रेकफास्ट किया है? जी सर। थोड़ा सा आवाज़ लाउड हो रहा है? जी सर। ओके ओके सर। मैम, आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहती हैं, वर्तमान परिवेश में एक मांग हो रही है कि सभी, जो चाहे CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, सबके पाठ्यक्रम को एक कर दिया जाए जी। ये क्या उचित होगा? और ऐसी मांग करने के पीछे लोग
लोगों का क्या कारण है? सर उनका ये भी कारण है कि बच्चे अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनको क्लास में कंबाइन करने में शायद दिक्कत होती होगी, या फिर कभी उनको दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होगा या फिर दूसरी जगह जाना होगा, तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। सबका लेवल भी थोड़ा बहुत अलग होता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर सभी के पाठ्यक्रम एक हो जाएं तो जो गरीब बच्चे हैं जो ICC CBSE बोर्ड में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक, माध्यमिक स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर सभी के पाठ्यक्रम में सेम हो जाएं तो उनको भी शिक्षा के पर्याप्त अवसर उतने ही मिलेंगे जितने अमीर बच्चों को मिल रहे हैं, तो इससे बड़ा फ़ायदा तो ऐसा है कि नहीं। एक फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी शिक्षा के क्षेत्र में, क्या है ये? ये आप बताएंगे कि फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया किसने था? सर अगर मैकाले ने दिया था, निस्यंदन सिद्धांत था शायद, तो सर मैकाले ने ही दिया था फिल्ट्रेशन थ्योरी। उनका ये कहना था कि जो समाज के जो हायर वर्ग वाले लोग हैं उनको हम शिक्षा देंगे और फिर वो नीचे वाले लोगों को उनके थ्रू पहुँचती चली जाएगी। छनाई का सिद्धांत बोलते हैं सर कि हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे और वो छन छन के निम्न वर्ग के, तो ऐसे हम बहुत ज़्यादा लोगों को शिक्षा भी नहीं देनी पड़ेगी, हमारे भी संसाधन बचेंगे और शिक्षा हो भी जाएगी। अच्छा, जैसे वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों की बड़ी समस्या है, ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक, सरकार बहुत प्रयास कर रही है लगातार, उसके बाद भी ड्रॉप रेट में कमी तो आई है, लेकिन जो जितना प्रयास हो रहा है उसके अनुसार सुधार नहीं हो रहा है। आप एक शिक्षक के रूप में अगर वहाँ जाती हैं तो क्या सुधार करेंगे इसमें आप? सर बच्चों को तो सबसे पहले हम ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जिसमें कि उन्हें कोई डर ना लगे, वो फ्री फील कर सकें अपनी बातों को रखें और सर इंजॉय करते हुए वो सब नॉलेज एक्वायर करें, तो इससे ये होगा कि जहाँ जहाँ बच्चे का खुद मन नहीं लग रहा है, वो खुद स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, तो वो चीज़ें रुक जाएंगी। और बाकी सर सेकंड रीज़न है कि अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई रीज़न है तो हम उनसे कॉन्टेक्ट करके कोशिश करेंगे कि बच्चे को कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे उसका जो ड्रॉप आउट है वो करें। एक कमीशन आया था जिसमें पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, किस कमीशन में दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर बल, जिसमें आप शिक्षक बनने जा रही हैं, पहली बार उसमें इस प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया गया, कौन सा कमीशन था वो? वो हंटर कमीशन था, ठीक, कब आया था? 1882। अच्छा अदिति, आप प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना ज़्यादा पसंद करती थी? सामाजिक विषय। और सर हिंदी संस्कृत, इसमें तो संस्कृत नहीं था। अच्छा, आप संस्कृत भी पढ़ती हैं, और पढ़ाने में क्या प्रीफर करेंगी? सर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट। बाल विकास पढ़ी है ना आप, तो थोड़ा इन्फेंसी स्टेज के बारे में मुझे कुछ बताइए। सर इन्फेंसी स्टेज जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक को माना जाता है, और ये सर बोला जाता है कि बच्चा जो होता है वो अनुकरण करता है और सीखने का अच्छा टाइम होता है। किसने इन्फेंसी स्टेज का ये क्लासिफिकेशन किया था 0 से 2 ईयर्स का? कोई मनोवैज्ञानिक है उससे संबंधित? हलॉक कोई पुरुष थे? सर महिला थे। अच्छा, तो पूरा नाम उनका बताइए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। क्या होता है सर इंक्लूसिव एजुकेशन? ये होता है कि जितने भी अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, उन सबों को एक ही साथ एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाए। अच्छा, दिव्यांग बालकों के लिए कोई अधिनियम भी आया था? सर 1995 में आया था, उसको संशोधित किया गया था। 1995 में आया था। अच्छा, उसको संशोधित किया गया कब? 2016। तो कितने दिव्यांग बालकों की श्रेणी बनाई गई है उसमें? पहले साल थी, अभी 20 है। 21 है या 20 है? 21। अच्छा चलिए ठीक है। तो ऐसे दिव्यांग बालकों को आपको अगर टीचिंग कराना है तो आप कैसे कराएंगे, क्या करेंगे? दिव्यांग बालकों के लिए अगर वो सर नेत्र बाधित हैं तो उनके लिए सर अलग से शिक्षक भी आ
आते हैं ब्रेल लिपि में जो उनको पढ़ाते हैं, और तो उनके लिए अलग स्कूल नहीं करेंगे, उसी स्कूल में हम उसको पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा। और सर अगर श्रवण बाधित हैं तो उनके लिए साइन लैंग्वेज हो सकती है, वाक बाधित हैं तो उनके लिए भी साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होता है सर? इशारों में उनकी साइन होती है। किसने शुरू किया था इसे साइन लैंग्वेज को? सर टॉलमैन। टॉलमैन ने? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके रिलैक्स हो जाइए। आदित्य जी सब कुछ तो ठीक था, पहले तो स्टार्टिंग आपकी भी ठीक नहीं थी, स्टार्टिंग विश वगैरह नहीं था मेरे ख्याल से, शायद मे भी पॉसिबल इस वजह से कि ये जो वीडियो वगैरह शूट हो रहा है तो मे भी पॉसिबल की इस वजह से थोड़ा सा हाँ हेजिटेशन वगैरह और तमाम चीज़ें वो, इसीलिए मुझे लगता है कि स्टार्टिंग उनके साथ ही प्रॉब्लम थी, अदरवाइज इसके पहले तो ये आई थी तो नॉर्मल ही थी, इसके पहले तो एक आती पहले। अदिति जी बाकी सब कुछ तो सही है, बट ये है ना कि आपका जो इंटरव्यू चला जो ओवरऑल मैंने लुकअप किया तो वो एक्टिवनेस नहीं है, डमनेस नजर आ रही है, बात को समझ रही है? डमनेस और एक्टिवनेस अगर नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं और डिफाइन करूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना एक खनक है आवाज में, राइट, वो आवाज निकलनी चाहिए कॉन्फिडेंस से। आप टीचर बनने जा रहे हो, आप बच्चों के सामने कैसे फेस करोगे? ऐसे ही बोलोगे क्या? वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो इस चीज को जज करेगा कि जिसको मैं टीचर बनाने जा रहा हूं वो ऐसे डरनेस से पढ़ाएगा क्या बच्चों को, है ना? ये थोड़ा खनक लाई, अब ये होगा कैसे? ये तो रहा एक प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? यस, और प्रैक्टिस दो तरीके होते हैं, आपस में आप लोग मॉक नहीं करते होंगे, आपस में भी किया करो ना, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा दूसरा चीज, यहाँ से सर लोग देते होंगे या दिए होंगे क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के, मिरर प्रैक्टिस किया करो, और मिरर प्रैक्टिस में भी पकड़ नहीं पाओगे, एक बार रिकॉर्ड करो अपनी वॉयस मोबाइल पे और फिर देखो और पिच को बदल बदल के देखो, टोन पिच एक्सप्रेशन कहाँ वॉयस को जोर देना है कहाँ कम करना है वो समझ गया। मैंने पहला पॉइंट ही लिखा था कि पूरा इंटरव्यू थकावट से भरा है और मैंने आपको तुरंत जो है वो बता भी दिया कि आप ब्रेकफास्ट करके नहीं आई हैं वगैरह, क्योंकि लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा थकी हैं, नर्वस हैं, क्या है, आप जैसे ही बोझा टाल रही थी बस इसी तरीके से ये निकल जाए, है ना? तो वो हुआ क्या कि आपने आंसर बहुत बढ़िया किया, आंसर बढ़िया था, लेकिन सवाल ये है कि वो चीज़ें दब गई कि नहीं दब गई, यानी कि हमारा अप्रोच जो होना चाहिए ना वो थोड़ा दिखना चाहिए, एंथुसियाज्म थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ हम यहाँ पर आए हैं और एक जंग जीतने के लिए आए हैं तो उसमें हमारा थोड़ा एंथुसियाज्म हो, ठीक है ना? तो बी इम्प्रेसिव और ये बोल्डनेस के साथ, और आप डिजर्व करते हो, आप परीक्षा पास करके आए हो तब यहाँ आए हो, किसी ने भीख नहीं दी है आपको, तो बी कॉन्फिडेंट, है ना? चलो ठीक है। देखिए जिसकी जानकारी हो तो ठीक है बताइए, जो नहीं पता ना उसमें क्लियर कट बताइए कि सॉरी, जैसे मैंने आपसे पूछा कि फिल्ट्रेशन थ्योरी और थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं था, फिर आपने लास्ट में मैकाले को बताया, ये मैकाले का नहीं है, लॉर्ड ऑकलैंड की फिल्ट्रेशन थ्योरी है, ठीक। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि पूछा आपसे कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में पहली कमेटी कौन गठित हुई थी, ठीक। इस पर तो मैं आपको कहूँगा कि शिक्षा के संदर्भ में जो समितियां गठित हुई हैं उस पर थोड़ा विशेष रूप से तैयार होकर आएँ और थोड़ी अपने आवाज़ में लाउड रखें, क्यों? क्योंकि जब प्राथमिक बच्चों को आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे शिक्षक को रोल मॉडल मानते हैं, ठीक, और ऐसे स्थिति में अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो उनके अच्छे रोल मॉडल आप नहीं बन पाएंगे, ठीक। ओके, बाकी बहुत अच्छा रहा, कॉन्फिडेंट अच्छा था, चलिए ठीक है। बाकी वॉइस की बात तो वही है, पिच और टोन की बात जो सर बताए थे, लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट पे बात की जा रही है ना तो जैसा कि सर कहें ये बात लागू होती है आप पे कि आ रहा है तो क्लियर बताते हैं और नहीं आ रहा है तो सॉरी इज़ द बेस्ट बेस्ट आंसर, ठीक है, सॉरी इज़ द बेस्ट आंसर।
तो उसमें थोड़ा भी घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से उस चीज़ों को बता दीजिए, ठीक है? बाकी चीज़ें ठीक है, बाकी चीज़ें ओके, थैंक यू।